इस बार मैं थोड़ा सा कंपनी चेंज किया हूँ टायर की। टायर की अच्छी खासी रनिंग हो गई थी, मतलब ऐसा नहीं। आपको पता तो लग ही गया होगा कौन सी कंपनी का है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है कौन नई वीडियो में। अभी तक तो मैं बुलेरो चला रहा था, लेकिन अभी बारी आ गई अपनी टाटा इंडिगा विस्टा की, क्योंकि इसका एक टायर फूट गया था। जब मैं रीवा से व्यवहारी आ रहा था, एक टायर ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि वो चिकना टायर था। टायर को हम अच्छा खासा यूज कर लिए थे, इस वजह से वो फूट गया। तो एक टायर ये देख सकते हैं गाड़ी के पीछे रखा है, ब्रांड न्यू। अभी कौन सी कंपनी का है सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अपने गांव के दंग भरी गलियों से निकल रहा हूं मैं पंचर वाली शॉप पे, जहां मतलब टायर बदलवाऊंगा, पुराना टायर जो फूटा है उसको निकलवा दूंगा और इसको डलवा दूंगा। इस बार मैं थोड़ा सा कंपनी चेंज किया हूं टायर की। पहले जो मैं लगवाता था, जैसे आपको मालूम है सीएट माइलेज एक्स 3 MRF, ऐसे कंपनी के टायर में लगवाता था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। तो इस बार जो मैं चेंज किया हूँ थोड़ा यूनिक है। आप लोगों को लगेगा कि इसको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, ये आपको बाद में पता चलेगा। बाकी चलते हैं उनके पास और वहीं पे आपको डायरेक्ट टायर भी दिखाता हूँ, और जो फूट गया था टायर वो किस कंपनी का था वो भी दिखाता हूँ, किस कंडीशन में था वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। पंचर वाली दुकान पे मैं आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ जो टायर अपना फूट गया था। सबसे पहले उसको चीथड़े उड़ गए, इसमें ट्यूब डली थी तो ट्यूब के साथ साथ इस टायर के भी चीथड़े उड़ गए। टायर की अच्छी खासी रनिंग हो गई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि टायर नया था, एकदम से ख़त्म टायर, देख सकते हैं टकला हो गया था, इतना चलाए थे हम इसको। ये खुल जाए इसके बाद जब इसमें नया टायर हम चढ़वाते हैं, वो कौन सी कंपनी का है जो मैं बोल रहा था थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी चारों टायर अभी कौन सी कंपनी के लगे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे देखिए इधर लगा है सीएट का अपना, सीएट माइलेज X3 है, और ये टायर पहले सस्ते आते थे लेकिन अभी के टाइम पर महंगे हो गए हैं, 4400 रुपये के मिलते हैं। एक ही अपना स्टेपनी है, 13 इंच का है, मतलब 13 इंच का। आप सभी को मालूम होगा कि अपनी टाटा विस्टा बेस मॉडल थी, तो इसको मैंने अपग्रेड किया था, बेस से थोड़ा सा एक ऊपर बनाया और इसमें 13 से 14 अपग्रेड कर दिया था, पूरा डिस्क सब बदल के, मतलब रिम वगैरह बदल के। और इधर जो टायर लगा है वो भी सीएट माइलेज X3 है। एक टायर थोड़ा सा चेंज है, वो है MRF का ZV TV। ये थोड़ा महंगा टायर मिला था, और ये दोनों कंपनी नहीं है, इस बार थोड़ा सा चेंज है। तो गांव का सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, गांव की मेरे हाईवे एक नंबर वाली हाईवे है। तो ये रही अपनी ट्यूब जो फूट गई है, कौन सी कंपनी की थी पता नहीं, सीएट वगैरह रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर सीएट ही डलवा देता हूँ मैं। MRU है, MRU की नहीं, MRU को देख सकते हैं, ऐसे कुछ पागल बनाते हैं लोग बार, MRF की जगह MRU लगा दिए हैं, फिर ऐसे फूट जाती है। टायर था अच्छी कंपनी का, ब्रिजस्टोन का, लेकिन ट्यूब थोड़ा लोकल थी। अभी जो टायर मैं निकाल रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ, एक नंबर वाला टायर ये रखा है अपना, न्यू टायर, बड़ी बड़ी गोटियों वाला, ताजा भैया बाहर। आपको पता तो लग ही गया होगा कौन सी कंपनी का है। तो इस बार जो टायर लगवा रहा हूँ JK टायर। तो आप लोगों ने देख लिया कौन सा टायर लगवा रहा हूँ, ये है JK टायर टैक्सी मैक्स, और इसकी जो प्राइस है अपने को यहाँ मतलब लोकल क्षेत्र में थोड़ा महंगा मिला है, बाकी जैसे हम रीवा सतना नागपुर कहीं भी और लेते तो थोड़ा सस्ता मिल सकता था। ये मेरे को 4200 का खाली टायर मिला है, ऑनलाइन भी इतना इसका दिखाता है, ऑनलाइन लगभग 4300 दिखाता है, 4300 रुपये। तो मेरे को इतने में 4200 का टायर दिया, और जैसे कि आप सभी जानते हैं रिम मेरी गाड़ी के सभी ख़राब हो गए हैं, तो रिम की वजह से क्या है पूरा लीकेज हो जाता है, बार बार हवा निकलती है, तो मैं ट्यूब भी डलवा देता हूँ, तो साथ में ट्यूब भी लिया हूँ। ट्यूब तो बहुत महंगी नहीं है, तो ये ट्यूब अपने को मिली है 250 रुपये की, और 4150 रुपये का टायर है, दोनों का मिला के मेरे को 4400 रुपये देना पड़ा है। मैं बिल भी इंक्लूड कर दूंगा, लगा दूंगा, पर वारंटी है 5 साल की, देखते हैं क्या कैसा है, कट उट लगेगा तो वापस हो जाता है। इसका तो मैं कई बार वीडियो बनाया हूँ कि कैसे आप क्लेम कर सकते हैं वारंटी में, क्योंकि मैं कई बार रिप्लेस किया हूँ टायर। तो अब एक बार फिट हो जाए फिर अपनी गाड़ी में लगा देता हूँ, और फिर निकलता हूँ 120 किलोमीटर की ड्राइव पर। 120 किलोमीटर जाना है, वो भी पूरा फॉरेस्ट एरिया में, मतलब आज अपने को जाना है MP to CG छत्तीसगढ़ की ड्राइव करने, इसी हाईवे से जाना है।
तो पीछे मैं लगाया हूँ अभी जो नया वाला टायर है, आपको दिखाता हूँ। ये है टैक्सी मैक्स, हो सकता है टैक्सियों के लिए बना हो, और ये गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है तो इसमें अच्छा खासा चले। अगर अच्छा खासा चलेगा तो फिर मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप भी लगवा सकते हैं। बाकी इससे पहले जैसे सियाट हो गया, MRF हो गया, इनका अच्छा खासा मेरे को एक्सपीरियंस है, कई बार मैं बदलवा के लगवा भी चुका हूँ। इनकी मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बढ़िया रहती है सियाट की, लेकिन सियाट महंगा है, MRF महंगा है, अपोलो महंगा है, ब्रिजस्टोन महंगा है, योकोहामा। तो अभी अपने को सस्ते में केवल यही पड़ा है JK, इस वजह से इसको डलवाया हूँ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। मतलब थोड़ा सा अंदर से खुशी हो रही है कि एक टायर लगा है मेरे को। टोटल दोनों टायर ट्यूब 4400 रुपये पड़े हैं, और ट्यूब डलवाने का रीज़न मैं आपको बता ही दिया। तो अभी यहाँ पैसे दे के निकलते हैं, बाकी टायर के बारे में जो भी होगा थोड़ा सा इसको चलाऊँ मैं 2000-4000 किलोमीटर। इसका नॉइज वॉइज कैसा है रोड में, ज़्यादा है तो नहीं, मतलब टायर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ किया करते हैं। हालांकि ये लो नॉइज़ टायर तो नहीं है, क्योंकि सस्ते जो टायर आते हैं वो थोड़ा आवाज़ करते ही हैं रोड में, रोड नॉइज उनमें ज़्यादा होता है। तो फिर थोड़ा चलाने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा। अपनी जो गाड़ी चली है 1,67,946 किलोमीटर चली है, और इतने में मैंने ये JK का टायर डलवाया है तो चला रहा हूँ। देखता हूँ अभी आज ही चलाऊँगा मैं इसको 200-250 किलोमीटर अपनी गाड़ी को, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब किसी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कैसा है टायर। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।